एक और बड़ी अपडेट, अविश्वास प्रस्ताव पर बोले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मणिपुर पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री घबराहट में है, जो मन में आए वो बोल रहे हैं। ये बयानात है नीतीश कुमार के। महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। इतना खतरा हो गया है उनको, अब आप सोच लीजिए, जो हम लगे हुए थे इतना दिन से, अब फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, अभी नामकरण हुआ, तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी क्या है? आपको पता है कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना, 19 में हम लोग साथ में थे, उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आई बताइए तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं? अब इतना लोग एकजुट हो रहा है कि जो लोग भारत के सब कुछ को, इतिहास को बदलना चाहते हैं, अब इतिहास नहीं बदलेगा, बता देते हैं। हम लोगों का उद्देश्य है लोगों के हित में काम करना, और हम लोग सबके हित में काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, आपस में कोई विवाद न हो, एकदम बिल्कुल अच्छा माहौल रहे। वो लोग कभी NDA चलाए हैं ले रहे, वो तो अटल जी के टाइम का है, और कभी बाद में मीटिंग नहीं किए, अब उनका कोई NDA अब है, तो इसीलिए तो जो बन गया है ना, इतने लोग अलायंस में एक साथ हो गए हैं तो घबराहट में है, तो इसलिए अपना जो मन में आवे बोले। महिलाओं तो नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।